राजाओं महाराजाओं की जिंदगी जितनी आलीशान होती थी वैसे इनके शौक भी होते थे। ये अपने हरम में महिलाओं को रखने का एक अजीब ही शौक रखते थे। इनके हरम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हुआ करती थी जिनसे राजा अपनी रातें रंगीन किया करते थे। लेकिन अगर बात करें मुगलों की तो मुगल भी इनसे कम नहीं थे। मुगलों ने इस प्रथा को और भी परवान चढ़ा दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक मुगल बादशाह किसी तवायफ का दीवाना हो गया। वो भी कोई ऐसी वैसी तवायफ नहीं, वो एक ऐसी तवायफ थी जिसने न सिर्फ मुगलों को बर्बाद किया बल्कि भारत का कोहिनूर हीरा भी लुटवा दिया। 18वीं शताब्दी में जब मुगलों के राज्य का सूरज ढलने लगा तब भी उनके हरम की रौनक अपने चरम पर रहती थी। वैसे तो मुगलों की बर्बादी की शुरुआत तभी हो गई थी जब 29 सितंबर 1719 को 13वां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस दौर में पुरानी दिल्ली की एक हवेली में एक तवायफ रहती थी नूरबाई, और मोहम्मद शाह रंगीला उसका सबसे बड़ा दीवाना था। 17 वर्ष की उम्र में वह राजा बना था। मोहम्मद शाह रंगीला अक्सर शराब शवाब कबाब और नाच गाने में डूबा रहता था। अपने रंगीन मिजाजी की वजह से वह रंगीला के नाम से मशहूर था। पुरानी दिल्ली की सभी तवायफों को वह अपने महफिल में बुलाता था। बादशाह रंगीला को नूरबाई बहुत पसंद थी। नूरबाई को अक्सर मोहम्मद शाह रंगीला के आसपास देखा जाता था। वहीं दूरदर्शी नूरबाई ने मुगलों की हालात को देखते हुए नादिर शाह से भी संबंध बना लिए थे, और संभव है कि ऐसे ही किसी एकांत मुलाकात में उसने नादिर शाह के सामने कोहिनूर हीरे का राज खोल दिया होगा। नूरबाई के कोठे के आगे अमीरों और प्रभावशाली लोगों के हाथियों और घोड़ों का वो हुजूम उमड़ता था कि उस दौर में पुरानी दिल्ली के ट्रैफिक जाम हो जाते थे। नूरबाई को मोहम्मद शाह रंगीला से कोई लगाव नहीं था। मुगलों का जब वक्त कमजोर पड़ा तो नूरबाई ने तुरंत अपना पलड़ा बदल दिया। इतिहासकारों के मुताबिक जब ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला तो तुरंत नूरबाई की नीयत बदल गई। उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को धोखा देकर नादिर शाह से दोस्ती की और उसे कोहिनूर हीरे का राज बता दिया। फिर नादिर शाह ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मोहम्मद शाह रंगीला को लिखित समझौते के लिए बुलाया। फिर एक रस्म का हवाला देते हुए अपने और मोहम्मद शाह रंगीला के सर के ताज आपस में बदलवाए। इस तरह मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी में छिपा हुआ कोहिनूर हीरा मुगलों के हाथों से फिसल कर नादिर शाह के पास पहुँच गया। मुगल उस दौर में बेहद ही कमजोर पड़ चुके थे, जिसका फायदा उठाते हुए नादिर शाह ने दिल्ली को जमकर लूटा। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली को इस कदर लूटा था कि दिल्ली पूरी कंगाल हो गई थी। इस लूट से उसको इतना धन मिला था कि नादिर शाह ने 3 साल तक अपने राज्य के लोगों से कोई कर नहीं लिया था। इसमें सबसे ज्यादा बर्बादी मुगलों की हुई। कहा जाता है कि इस तवायफ ने मुगलों को कंगाल और बर्बाद कर दिया था। क्या इसके पहले इस घटना के बारे में आपको पता था, और आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी, मोहम्मद शाह रंगीला की या फिर नूरबाई की? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।